हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्रियान के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग पहले सुने होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही फ्रियान कहलाता है ना। इसका सूत्र होता है CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, एक कार्बन। तो इसे जो बनाया जाता है तो 3CCl4 प्लस 2SbF3 इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 और इधर SbCl3 और प्लस 3Cl2F2 है ना। यही आपका फ्रियान है ना। तो क्या होता है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो फ्रियान बनता है। फ्रियान सुने, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड 5 पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड की अभिक्रिया से फ्रियान बनता है। अब यह इसके जो गुण होते हैं, यह रंगहीन गंधहीन है ना, यह रंगहीन गंधहीन अक्रिय अज्वलनशील तथा वायुमंडल में अधिक समय तक रहने वाला रसायन है। यह अक्रिय होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और अज्वलनशील है, जलता नहीं है, तथा वायुमंडल में अधिक समय तक रहने वाला रसायन है। अब इसका उपयोग जो होता है, उपयोग तो प्रतिशत प्रसिद्ध के रूप में होता है, प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध मतलब कूलेंट, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, जो अपन फ्रिज वगैरह है तो उसमें रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है ना। और जो इसके जो एरोसा और फोम के नेत नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब है पर्यावरण प्रभाव। तो पर्यावरण प्रभाव क्या है कि जो फ्रियान ट्वेल्व है वह 12 है। तो यह पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विघटित होकर क्लोरीन देता है। क्या देता है, क्लोरीन देता है। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विघटित होकर यह क्लोरीन मुक्त करता है ना। यह क्लोरीन ओजोन मंडल को पतला करता है, पर्यावरण में प्रभाव है। यह क्लोरीन है इसका मुख्य कारण पर्यावरण है ना। यह क्लोरीन ओजोन मंडल को पतला करता है। ओजोन परत के कमजोर होने के से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण की अधिकता हो जाएगी, जिससे कोमल जीव जंतु फसल खराब हो जाएगा, मर जाएगा और त्वचा कैंसर रोग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रियान 12 जो है इसे नवजात क्लोरीन मुक्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो आपके बोर्ड का क्लास, ये सब बोर्ड में आता है, पूछता है फ्रियान किसे कहते हैं और फ्रियान के गुण, उपयोग और पर्यावरण प्रभाव लिखिए। इसी तरह DDT है ना, DDT का हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी, तो DDT आप सुना होगा, जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं DDT। अगला टॉपिक है
साधारण आंशिक संपर्क डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। इसके जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र यह क्लोरोबेंजीन का सूत्र हो गया है ना, यह भी क्लोरोबेंजीन का सूत्र है और CHCCl3। तो पहला और दूसरा ये संरचना सूत्र हो गया DDT का। इसके जो IUPAC नाम होते हैं, IUPAC नाम अब देखिए, यह दूसरे कार्बन पर जो फेनिल रखा है ना, तो 2.2 डाई मतलब दो, पैरा पे लगा है Cl, पैरा क्लोरो क्लोरो फेनिल है ना, यह पैरा क्लोरो फेनिल हो गया है ना, समझे, पैरा क्लोरो फेनिल। अब एक बार तीन क्लोरीन लगा है तो 1.1.1 ट्राई क्लोरो क्लोरो एथेन ट्राई क्लोरो एथेन। इसके IUPAC नाम इस तरह से पढ़े जाते हैं, चूंकि दो पैर है तो दो क्लोरोफेनिल लगा है, बेंजीलिन लगा है, इसीलिए 2.2 पैरा क्लोरोफेनिल। अब एक पर तीन क्लोरीन लगा है तो ट्राई क्लोरो, अब दो कार्बन है इसीलिए इसका नाम पड़ा मेथेन। तो DDT जो बनाया था वह सबसे पहले मोल्डर बनाया था, क्या बनाया था, कौन बनाया था, मोल्डर। तो अब निर्माण की विधि देखते हैं, निर्माण की विधि इस विधि में क्या होता है कि एक मोल क्लोरल तथा दो मोल क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन कराने पर DDT बनता है ना। तो क्लोरल, अब देखिए यह क्लोरोबेंजीन का सूत्र हो गया CH, तो अब कह रहा है क्लोरोबेंजीन के दो मोल के कारण है ना, CL क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन मोनो क्लोरोबेंजीन करते हैं तो दो मोल ठीक, और इसमें हाइड्रोजन तो रहता ही है, प्लस OCHCCl3 यह होता है क्लोरल। इसे कैसे लिखा जाता है, CCl3 और CH4 है ना, ऐसे। तो इसमें से क्या होता है कि यह जल के अंदर निकला तो सांद्र H2SO4 और नीचे माइनस H2 तो यहां यह Cl
बेंजीन, यहाँ क्या बच गया सी एच और सी सी एल थ्री, तो यह आपका डी डी टी हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यह एक वन मोल है, वन मोल, तो एक मोल क्लोरल को दो मोल क्लोरो बेंजीन के साथ सांद्र स्टोसोफोर की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है तो डीडीटी बनता है, डीडीटी बनता है, ठीक है। अब इसके गुण है, बहुत छोटा है लेकिन अमूल्य इंपोर्टेंट है गुण है। और डीडीटी जो होता है सफेद पाउडर होता है, सफेद चूर्ण होता है, जिसमें उसकी स्पेसिफिक मतलब अविलक्षणिक गंध होती है। यह जल में बोलेंगे तो नहीं भूलेगा, यह जल में अविलय होता है परंतु कार्बनिक विलायक या पेट्रोलियम में घुल जाता है, है ना, घुल जाता है। और अगला जो है आपका उपयोग तो है, यह प्रबल कीटनाशी है, प्रबल कीटनाशी है, मलेरिया फैलाने वाली मच्छरों को नष्ट करने में क्या जाता है, करने में किया जाता है, है ना। अब है पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव में क्या होता है कि इसका जैव अपघटन नहीं होता, मतलब इसे जीव जंतु नहीं अपघटित कर पाता, यह स्थायी होता है, अधिक दिनों तक पर्यावरण में रहकर उसको प्रदूषित करता है। तो कुछ प्रजाति की मछलियां, है ना, मनुष्यों पक्षियों और कुछ प्रजाति के मछलियों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। फिर ध्यान सुन ले, यह स्थायी होता है, इनका जैव अपघटन नहीं होता है, है ना, बहुत दिनों तक पर्यावरण में रहकर यह मनुष्यों पक्षियों और विशेष प्रजाति के मछलियों पर बुरा प्रभाव विषैला प्रभाव डालता है। तो इस तरह से डीडीटी के आपके निर्माण की विधि हो गया, गुण हो गया, उपयोग हो गया और पर्यावरण प्रभाव हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, नया टॉपिक है इस चैप्टर का आपके लिए, यह न्यू टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, यह लास्ट टॉपिक है बीएचसी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आप देखें इसको, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ध्यान दें, बी एच सी बेंजीन हेक्सा मतलब 6 क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, है ना, इसे बी एच सी कहते हैं। तो सी सिक्स एच सिक्स और सी एल सिक्स, इसका सूत्र हो गया सी सिक्स एच सिक्स और सी एल सिक्स, ठीक है। और इसे लिंडेन कहा जाता है, लिंडेन, और ये जो ट्रिपल सिक्स कहा जाता है, गैमेक्सिन कहा जाता है, गैमेक्सिन कहते हैं, है ना, यह सब इतने सारे नाम है, बी एस सी पाउडर, लिंडेन, ट्रिपल सिक्स, गैमेक्सिन, चार नाम होते हैं, है ना। तो संरचना सूत्र जो होता है, संरचना
सूत्र। अब देखिए छह कार्बन है, बेंजीन है ना। आप कार्बन के चार बंध होगा, एक में एच, एक में सी एल, एक में एच, एक में सी एल, इसमें एक एच और सी एल, एक में एच और दूसरे में सी एल, एच सी एल, इस तरह से एच सी एल। तो यह हो गए छह कार्बन हो गए, छह हाइड्रोजन हो गया और छह क्लोरीन हो गया। या इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, सभी कोने पर आप सी एल दे दो, सी एल सी एल सी एल सी एल और सी एल। इसके जो आईयूपीएसी नाम होता है, आईयूपीएसी नाम नाम, इसमें छह ग्रह लगा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, छह हो गया। तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सा हेक्साक्लोरो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, इसका आईयूपीएसी नाम। एक पे लगा है, दो पर, तीन पर, चार पर, पांच पर, छह पर, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा मतलब 6 क्लोरीन है ना। साइक्लोहेक्सेन है, यह एनसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें रिंग नहीं लगता, यहाँ पर यहाँ भी रिंग नहीं लगा, इसीलिए पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। अब बनाने की विधि, अब है बनाने की विधि। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्लोरीन बेंजीन से क्रिया कर, बेंजीन से क्रिया कर कर BHC बराबर है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C6H6+3Cl2। तो सूर्य प्रकाश का अल्ट्रा वायलेट रे होता है UV, अल्ट्रा वायलेट C6H6Cl6, ये आपका BHC बनेगा। ऐसे बना सकते हैं, या आप जब रिंग के साथ बनाना चाहें तो बेंजीन रिंग है ना, अब प्लस 3Cl2 सूर्य प्रकाश UV, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखें Cl और Cl, छह थोड़ी मिल गया है ना। याद रखेंगे यहाँ द्विबंध है, यहाँ पर द्विबंध है नहीं, यदि द्विबंध आप लगाते हैं तो फार्मूला गलत हो जाएगा, समझ गए जी। अब इसके गुण कहते पढ़ते हैं, इसके जो गुण होते हैं, गुण जो होता है यह सफेद चूर्ण होता है, गुण यह सफेद चूर्ण होता है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसके उपयोग, उपयोग जो है, देखिए ध्यान से देखिए, यह जो BHC पाउडर है यह कीटनाशक, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में फसलों पर किया जाता है। इसके चार समय भी ज्ञात है, आठ समय भी ज्ञात है, जिनमें से पांच समय भी जो होते हैं वह क्रियाशील होते हैं, जिनमें से गामा समय भी जो होता है, गामा समय भी जो होता है वह ज़्यादा ही क्रियाशील होता है, ठीक है। अब है पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव, तो पर्यावरण प्रभाव में क्या होता है कि इनका भी डीडीटी की भांति जैव अपघटन नहीं होता, इनका भी जैव अपघटन नहीं रहता होता है।
ठीक है, यह मृदा द्वारा, मिट्टी द्वारा अवशोषित होकर जड़ वाली फसलों को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, बनाने की विधि पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं, उपयोग पढ़े हैं और पर्यावरणीय प्रभाव पढ़े हैं, पर्यावरण प्रभाव, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर फोन कर दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।